हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मज़े में होगे और पॉजिटिव फील कर रहे होगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव स्टार्ट के लिए में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके इस रिलेशनशिप की अगले 36 घंटों के एनर्जीज क्या कुछ हो सकता है इन 36 घंटों में, देखते क्या निकल के आता है। एकदम हैप्पी रहे, पॉजिटिव रहे, थीटा पे ध्यान ना दे, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है, कलेक्टिव की एनर्जीज होती हैं, तो हर एक बात आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकती। जो रिजल्ट होता है उसे रखिए, जो नहीं होता उसे इग्नोर कर दीजिए। अगर आप वो सालों से महीनों से इंतजार कर रहे हैं आपके पार्टनर के एक्शन का और एक्शन नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, वहाँ पर आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करने, ठीक है। तो ये आपके पार्टनर की अगले 36 घंटों की फीलिंग्स आपके लिए इन अ वॉइस अंडरस्टैंडिंग सेलिब्रेशंस प्रोजेक्शन रिसेप्टिविटी। बॉटम में यहाँ पे स्किजोफेनिया, ट्रू मैसेज दे रही हूँ। यहाँ पे इनर वॉइस क्यू है, यहाँ पे इनर वॉइस क्यू है, अंडरस्टैंडिंग सेलिब्रेशंस प्रोजेक्शन रिसेप्टिविटी। डेथ क्यों ये अपने आप को इतना प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इनकी प्रॉब्लम क्या है, ये अपने आप को इतना प्रोटेक्ट क्यों करते हैं। ओके, इस रिलेशनशिप का ऑब्स्टैकल क्या है, ऑब्स्टैकल क्या है इस रिश्ते का, ऑब्स्टैकल क्या है करंट में, इस रिश्ते का ऑब्स्टैकल क्या है। बॉटम में यहाँ पे स्ट्रेंथ, तो आपके पार्टनर स्ट्रांगली एरिजियो सैजिटेस में सिंह धनु राशि टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि के हो सकते हैं। नंबर है यहाँ पे 8237107113178888111777। आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, ठीक है। तो यस, अगले 36 घंटे आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करने वाले हैं। आपके सोशल मीडिया अकाउंट, अगर आप एक जगह पे काम करते हो तो वहाँ पे किसी से बातें करेंगे, आपको लेके डिस्कस करेंगे क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में, हैप्पी हो, सैड हो, रो रहे हो, किसी से मिल रहे हो, क्या आपकी शादी तो नहीं तय हो रही है, ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन से किसी से निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। शायद कोई पार्टी हो सकती है जहाँ पे मिलेंगे, या तो जहाँ पे आप हमेशा मिलते हो ऐसी जगह पे, या आपके किसी दोस्तों से मिलने वाले हो, डिस्कस करने वाले हैं। और स्टॉकिंग एनर्जीज, आपके सोशल मीडिया जितने स्टॉक करेंगे मतलब 36 घंटों पे कम से कम 10-15 घंटे तो ये आपको स्टॉक ही करने वाले हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं वो तो बहुत ज़्यादा बिजी पर्सन है, काम करने वाला पर्सन है, वो क्यों मुझे स्टॉक करेगा, लेकिन फिर भी एक करेंगे, जब जब इनको टाइम मिलेगा तब तब इनको, जैसे कि इनके माइंड में आप ऐसे क्लिक होने वाले हो जो कि इनका दिल करने वाला है आपका फेस देखने का, या तो कोई पुरानी फ़ोटो जो इन्होंने आपके अपने ही फ़ोन में हाइड करके रखी उसे देखने का। ये बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करेंगे आपको लेके, जैसे कि मिररिंग इफेक्ट है यहाँ पे। अगर आप भी करो, आप भी देखोगे ना अगले 36 घंटे, आप भी इनको बहुत ज़्यादा स्टॉक करोगे, इनकी फ़ोटोज़ देखते रहोगे, और जैसे कि बहुत दिल करता रहेगा बात करने का, खुद होके एक्शन लेने का, लेकिन आपकी तरफ से कोई एक्शन सेट नहीं होने वाला है। आपके पार्टनर जैसे कि अगले 36 घंटे ये समझने की कोशिश करने वाले हैं कि आखिर इनको आपके इस रिश्ते से चाहिए क्या, क्यों इनका दिल करता है आपके पास बार बार जाने का, जो कि मैंने तो किसी और को कमिटमेंट दे दिया है, मैंने तो किसी और से शादी कर ली है, मैंने तो मेरे पार्टनर को खुद मेरी ज़िंदगी से निकाल के फेंका है, तो अब क्यों मेरा दिल कर रहा है इसके पास जाने का, क्यों जा रहा हूँ मैं, ना तो मैं इसको कंप्लीट स्वीकार कर पा रहा हूँ, रिश्ता भी मैंने एंड किया है, तो अब मैं क्यों जा रहा हूँ। तब इनको ये रियलाइज़ होगा कि ये अपने आप को जैसे कि पिंजरे में कैद पा रहे हैं। जिस भी थर्ड पार्टी के साथ है, अगर आपके पार्टनर ने शादी नहीं करी है तो ये अपने घर वालों के साथ ही पिंजरे में कैद है। इनके घर वालों ने जैसे कि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ लगा दी है, जैसे कि आपसे मिलना नहीं, बात नहीं करनी। अगर इन्होंने आपके लिए शादी की परमिशन मांगने की कोशिश की थी तो इनके घर वालों को आपके बारे में पता है, तो इनके घर वालों ने जैसे कि इनसे इनका जैसे कि आपसे मिलना जुलना बंद कर दिया, जो कि चाहे जो हो जाए लेकिन घर से बाहर निकलने नहीं देते।
अगर मतलब जहाँ पर भी अगर जॉब करने वाले पर्सन भी है ना, इनको जैसे कि कस्में दे के रखी होगी, या तो अगर तूने ऐसा कुछ किया तो मैं ऐसा कुछ कर दूंगी अपनी जान का, ऐसा कुछ इनके मम्मी या पापा ने कुछ बोल के रखा होगा, मतलब कि ज़बरदस्ती से कैद करके रखा है इनको। ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ, पागल हो जैसे हार है इनके करंट में भी, और अगले 36 घंटों में भी ओवर थिंकिंग की वजह से पागल होने वाले हैं। इनकी मेंटालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब है, स्ट्रेंथ नहीं है इनके अंदर जीने के लिए, हिम्मत चाहिए, मोटिवेशन चाहिए जो जा चुका है, और जो कि इनका दिल बार बार इनको बताएगा कि जा जा, तू पागल मत हो, तू इस तरह से मत जी, तुझे भी हक है जीने का, तू इस बर्डन को क्यों ज़बरदस्ती झेल रहा है, क्यों इन थर्ड पार्टीज़ की बातें मान रहा है, निकल यहाँ से, उतार के फेंक दे इस बर्डन को। इनका दिल इनको चीख चीख के बार बार ये कहेगा, लेकिन ये जो कि आएंगे नहीं। स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पे, एक्शन लेने के लिए हिम्मत नहीं है इनकी, और इनको ऐसा लगता है कि शायद ये जो भी सिचुएशन है शायद यही इनकी रियलिटी है, और यही इनको स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो कनेक्शन है वो अपने आप ही स्टार्ट हुआ था, मतलब किसी ने किसी के लिए इतने एफर्ट्स नहीं लगाए थे। अगर आप अपने पास में जाओगे ना तो इजीली आपका रिश्ता स्टार्ट हुआ था, शायद आपके पार्टनर ने आपको कुछ हाई हेलो किया होगा, तो बातचीत जो कि स्टार्ट हो गई होगी, या तो आप दोनों ने एक दूसरे को देखा होगा, और धीरे धीरे जैसे कि मतलब एकदम ईजी हुआ है आपका ये रिश्ता, किसी को भी एफर्ट्स नहीं लगाने पड़े थे। तो आपके पार्टनर का ऐसे है कि जो रिश्ता इतना ईजीली स्टार्ट हुआ था, अब वही रिश्ता मुझे फिर से स्टार्ट करने के लिए इतना डर क्यों लग रहा है, और क्यों मैं नहीं एफर्ट्स डाल पा रहा इसके लिए। तो यस, यही मेरी रियलिटी है, शायद यही मेरी ज़िंदगी है। इन्होंने सिचुएशन को जैसे कि स्वीकार कर लिया है, और जैसे कि डेथ का कार्ड है, अगले 36 घंटे इनको ऐसा लगेगा कि शायद ये रिश्ता कभी नहीं स्टार्ट होगा, जिस कनेक्शन के ऊपर मैंने भरोसा किया था शायद मेरी किस्मत ही झूठी है, मेरी किस्मत ही ख़राब है, इनको ऐसा लगेगा। डेथ, बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन, इनकी मेंटालिटी ख़राब, शायद ये बीमार भी हो सकते हैं। आप देखोगे, अगर आप इनको देख पाते हो, अगर आपके पास कहीं पर रहते हैं तो अगर आप इनको देखोगे ना, बहुत ज़्यादा सैड फेस में, सैड एनर्जीज में देख पाओगे। और डेथ का कार्ड ये भी शो करता है कि शायद इनके घर में किसी को कुछ प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, तो इनका कंप्लीट फोकस वहाँ पे रहने वाला है। तो ये अपने आप को जैसे कि प्रोटेक्ट कर रहे हैं, शायद जो कस्में इनको किसी ने दी थी वो कस्में सच तो नहीं हो रही है, ऐसा इनको लग रहा है, जो कि रिग्रेट है इनको, इनको बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है इस बात का कि ये चाहकर भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। दिल से मुझे इस रिलेशनशिप के ऊपर वर्क करना है, दिल से मुझे इस रिश्ते के ऊपर वर्क करना है, मुझे मेरे पार्टनर को कभी भी नहीं खोना है, मैं इसके साथ ज़िंदगी बनाना चाहता हूँ, लेकिन मैं करूँ तो करूँ क्या। ये जो बर्डन है, जो कि प्यार है, मतलब कि इनके घर वाले इनसे प्यार करते हैं, और जो कि आपके पास नहीं आने के लिए रोकते हैं, तो इनका भी प्यार है, आपका भी प्यार है, तो मैं क्या करूँ, किसके प्यार को ज़्यादा वैल्यू दूँ। तब इनको ये फील होता है कि ये ज़्यादा वैल्यू तो अपने घर वालों को ही देते हैं, उन्हीं की बातें सुनते हैं आपके, और जैसे कि फिर आपकी कुर्बानी दे देते हैं इस तरह से। तो इनको इस बात का रिग्रेट होता है कि क्यों नहीं ये हिम्मत बना पाते अपने घर वालों से अपोजिट जाने के लिए। अगले 36 घंटे यही फील करने वाले, अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला कमज़ोर फील करने वाले हैं। दिल से इस रिश्ते के ऊपर वर्क करना चाहते, लेकिन आपके लिए एफर्ट्स नहीं लगाना चाहते, मैं ऐसे बोल सकती हूँ। इनका दिल भी यही इनका दिल भी इनको बताता है कि इनको जाना चाहिए, और जो कि ऐसी एनर्जीज में रहे, और ऐसे एनर्जीज में रहने से बेटर है, पागल होने से बेटर है कि तू जा और एंजॉय कर तेरे पार्टनर के साथ, खुश रहे। लेकिन ये नहीं सुनते अपने दिल की आवाज़, अपने दिल के इंट्यूशंस को फॉलो ही नहीं करते हैं। इस रिलेशनशिप का ऑब्स्टेकल क्या है, आखिर ये रिश्ता स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है? ये रिश्ता इसी वजह से स्टार्ट नहीं हो रहा है क्योंकि ये आपके पार्टनर जो भी इन्होंने अपने दिल में हाइड करके रखा है, जो भी आपको जो इनका मतलब कि आपको लगता है ना, इसने मुझे ये नहीं बताया, वो नहीं बताया, और जैसे कि झूठ बोला, तो इन्होंने झूठ क्यों बोला, क्या रीज़न है, ये सारी बातें इनके दिल में छुपी हुई है, ये आपको बताते नहीं इसी वजह से, जो कि आप भी इनसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, और जो कि ये भी बताना सही नहीं समझते हैं। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन बंद है, दोनों ने अपने इमोशंस के ऊपर जैसे कि ताला लगा दिया है, और यही मेन ऑब्स्टेकल है इस रिश्ते का। यहाँ पे आप दोनों ही मतलब इनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं, इसकी वजह से एक्शन नहीं लेते हैं, और जो कि इन्होंने आपसे झूठ बोला है, बहुत सारी बातें छुपाई हैं, इसी वजह से आपको भी बुरा लगता है, और जो कि गुस्सा आता है, तो इस वजह से आप भी इनके लिए एक्शन नहीं लेते हो, तो कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, यही इस रिश्ते का सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है। ठीक है, तो ईजिली अगर आप बातचीत स्टार्ट कर दे तो दोनों में से किसी की भी तरफ से बातचीत स्टार्ट हो जाती है तो ये रिश्ता स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि कम्युनिकेशन से आपको ये पता चलेगा कि आखिर आपके इस रिश्ते का आपको मतलब किस तरह से सॉल्व करना है, आपको इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकलना है। ये तभी हो सकता है जब आप अच्छे से बात करोगे, अच्छे से टाइम स्पेंड करोगे, एक दूसरे से मिलोगे, ये भूल जाओ कि कोई थर्ड पार्टी है रोमांटिक।
आप सिर्फ अपने पार्टनर पे फोकस करो, और अगर वो आपसे थोड़ा बहुत भी बात करते हैं तो उनको समझने की कोशिश करो कि आखिर आपको करना क्या चाहिए, उनको टाइम दो थोड़ा सा, ज़बरदस्ती से मतलब झगड़े मत करो, उनकी बात मानने की कोशिश करो। शायद हो सकता है कि अभी जो आपको लग रहा है कि नहीं नहीं ऐसा तो कभी नहीं हो सकता, शायद हो सकता है कि जो आप चाहते वो फ्यूचर में जाके हो जाए, इस तरह से बनता है फिर। ठीक है, तो हम देखते हैं आपके पार्टनर इस वक्त आपसे बात क्या करना चाहते हैं, ये अगले 36 घंटों के फीलिंग से ट्रू मैसेज दिए हैं। इस वक्त इनके पार्टनर इनसे बात क्या करना चाहते हैं, करंट में इनके पार्टनर इनसे क्या बात करना चाहते हैं, करंट में इनके पार्टनर इनसे क्या बात करना चाहते हैं, या आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, शायद ही किसी से बात कर रहे हैं आपको लेके, और जो कि इनको बहुत ज़्यादा आपका एडिक्शन हो रहा है, दिल बहुत कर रहा है और जैसे कि छूने का आपको, लेकिन इनको लग रहा है कि अगर आपको ऐसी कुछ बात बताई जाए तो आप इनको बहुत गुस्सा करने वाले हो। जैसे कि मैंने बोला, आपको गुस्सा नहीं करना है, आपको सिर्फ यही लगता रहता है कि आपके पार्टनर सिर्फ आपका यूज़ करते हैं और जैसे कि यूज़ करके चले जाते हैं, तो आपको ऐसा नहीं सोचना है। आपको जैसे कि अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो, जो आप सोचोगे वैसे आपको मिलता है, तो झगड़ों की एनर्जी से बचो। और ये मत सोचो कि ये सिर्फ थर्ड पार्टी का है जैसे कि आपका यूज़ करता है, तो जो सोचते रहोगे ना वैसे ही होता जाएगा। ठीक है, तो आपको यही बताना चाहते हैं कि मेरा दिल तो बहुत करता है तुझसे बात करने का, लेकिन तू इतना झगड़ती है तो मैं क्यों बात करूँ। यहाँ पे टेन ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है, आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं, अभी भी आपसे बात करना चाहते हैं, चांसेस स्ट्रांग है इनकी तरफ से आपको एक्शन आने वाला है, इन 36 घंटों में भी एक्शन आ सकता है। अगर आता है या तो अगले 36 घंटों में जैसे कि इनके माइंड में थॉट बहुत आएगा कि एक्शन लूँ एक्शन लूँ एक्शन लूँ, लेकिन आपको गुस्से में देख के एक्शन नहीं लेगी, ये भी हो सकता है फिर। ठीक है, तो यस यही बात करना चाहते हैं आपके पार्टनर इस वक्त आपसे। तो अगर रीडिंग रेजोनेट हुई, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करनी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।